साथियों नमस्कार, गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं वासुदेव यादव, मेरा प्रयास है कि आने वाली सभी वैकेंसीज का विवरण यूट्यूब के माध्यम से आपके पास तक पहुंचा सकें, जिससे आपको आप लाभान्वित हों। साथियों, एक और नई वैकेंसी भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में आई हुई है, जिसका विवरण हम आपको दे रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि आप इस पर इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। और आने वाली वैकेंसीज उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम रिक्रूटमेंट की वेब पोस्ट डालते हैं, वीडियो डालते हैं, वो आपके पास तक ज़रूर पहुंचे। साथियों, इसकी डिटेल में पढ़ना चाहूँगा आपके साथ, शेयर करना चाहूँगा। इनवाइट्स अनमैरिड मेल कैंडिडेट टू अपीयर इन रिक्रूटमेंट रैली फ्रॉम 24 अगस्त 2019 to 29th August 2019 to join as army men in group Y non-technical Indian Air Force Security Trade Act DAV Public School Koyla Nagar Dhanbad Jharkhand for intake 02/2020। साथियों, ग्रुप वाई की वैकेंसी है 24 अगस्त से 29 अगस्त 2019 के बीच में है। नॉन टेक्निकल है, डीएवी पब्लिक स्कूल कोयला नगर धनबाद झारखंड में है। तो अब इसकी जो प्रोसेस है, जो इसका सिस्टम है, ज़्यादातर स्टूडेंट इसको जानते ही हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, द फिजिकल फिटनेस टेस्ट फॉर ग्रुप वाई इंडियन एयर फोर्स सिक्योरिटी ट्रेड इज वेरी रिगोरियस कंपैरिजन ऑफ रन चिन अप्स पुशअप्स एंड बेंट नी सिटअप्स। कैंडिडेट आर देयर फॉर एडवाइस टू कम प्रिपेयर्ड। यहाँ पर जो फिटनेस टेस्ट है वो दौड़ का है, चिन अप्स का है, पुशअप्स का है, बेंट नी सिटअप्स का है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि सबसे पहले उसकी तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें, तब आप इसमें शामिल हों। इसमें एक सावधानी के लिए भी दिया गया, जैसे हर बार रहता है, सिलेक्शन इन द इंडियन एयर फोर्स इज फ्री एंड फेयर। कह रहे हैं कि एयर फोर्स में जो सिलेक्शन है वो फ्री है और फेयर है, इसमें किसी भी प्रकार की दलाली नहीं चलती है, केवल मेरिट पर भर्ती होती है। कि इसमें भर्ती के लिए किसी को भी कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, लालच में आने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आपका नुकसान तो हो सकता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर अपॉर्चुनिटी फॉर अनमैरिड मेल कैंडिडेट नेपाली सिटीजन फ्रॉम डेजिनेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड टू ज्वाइन एज आर्मी में। द रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल इंडियन एयर फोर्स सिक्योरिटी IAF ट्रेड विल बी हेल्ड एट DAV पब्लिक स्कूल कोयला नगर धनबाद झारखंड एज पर द सिलेक्शन प्रोग्राम। देखें, ये जो भर्ती है इसके जो टेस्ट होंगे वो सुबह 6 बजे से होंगे और सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जो भी कैंडिडेट यहाँ पर हाजिर होंगे, प्रेजेंट होंगे, 24 अगस्त 2019 और 27 अगस्त 2019 के बीच में DAV पब्लिक स्कूल कोयला नगर धनबाद पर जो रैली का स्थल है, shall only be permitted to appear in the recruitment test। उन्हें ही भर्ती में इसमें भाग लेने का मौका मिलेगा,
उसके अलावा नहीं मिलेगा। टाइम ध्यान रखें 6 बजे से, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, 24 अगस्त 2019 से 27 अगस्त 2019 तक है। रैली का जो स्थल है वो DAV पब्लिक स्कूल कोयला नगर धनबाद झारखंड। एक्टिविटीज हैं डिस्ट्रिक्ट टू बी कवर्ड, जिन जिन जिलों की भर्ती है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 24 अगस्त को फिजिकल फिटनेस टेस्ट और रिटन टेस्ट है। रांची, बोकारो, लतेहार, सिमडेगा, पलामू, हजारीबाग, लोहरदगा, चतरा, दुमका, गिरिडीह, सरायकेला एंड रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड। झारखंड राज्य के ये सारे जिले हैं जिनमें जिनसे भर्ती होनी है। दूसरा है 25 अगस्त को एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 1 है, एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 2 है एंड डायनेमिक फैक्टर टेस्ट है। 26 अगस्त का दिन जो है रिजर्व है। 27 अगस्त को फिजिकल फिटनेस टेस्ट और रिटन टेस्ट है। जिले हैं धनबाद, देवघर, ईस्ट सिंहभूमि, वेस्ट सिंहभूमि, गढ़वा, गोड्डा, गुमला, जमतारा, कोडरमा, खुंती, पाकुरैन, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड। ये जिले हैं जो झारखंड के कवर होंगे 27 अगस्त को। फिर ठीक उसी तरीके से 28 अगस्त को एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट है, 1 है एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट, 2 है एंड डायनेमिक फैक्टर टेस्ट है इन्हीं जिलों को। 29 अगस्त को रिजर्व डे है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की। साथियों डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक जो है जुलाई 19 जुलाई 1999 और 1 जुलाई 2003 के बीच में होना चाहिए। ये दोनों दिन उसमें जुड़े हुए हैं जो कि रिक्रूटमेंट रैली में भाग ले सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? कैंडिडेट को 12वीं पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट 10+2 क्लास 12 आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो सरकार से, राज्य सरकार से या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, 12वीं पास होना चाहिए भारत सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड से। परसेंटेज क्या होनी चाहिए? मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए, कम से कम 50% अंक आपके होने चाहिए, उसमें एक भी पॉइंट कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा चल जाएगा लेकिन 49.99% भी नहीं चलेगा। इंग्लिश का सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपका 50% मार्क होना ज़रूरी है, इंग्लिश होनी चाहिए जिसमें 50% मार्क ज़रूरी है। डोमिसाइल रिक्रूटमेंट, जिस जिले के लोग इसमें भाग ले रहे हैं, जिन जो कवर्ड हैं उसका, उनके पास अगर मार्कशीट में डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लिखा है, स्कूल का नाम स्कूल के साथ जिले का नाम नहीं लिखा, तो उन्हें एक डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र जरूर रखना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ में जरूर रखने हैं जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हीं से होने चाहिए। जो आर्मी मैन के बच्चे हैं उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजन है, कुछ छूट है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, चेस्ट होना चाहिए, जिनका मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन जो उसका विस्तार, सीने का जो विस्तार है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, वजन जो है उसकी हाइट और एज के अनुपात में होना चाहिए। कोमिल सर्जरी शैल नॉट बी एक्सेप्टेबल, कोई सर्जरी जो है कोमिल सर्जरी नहीं होनी चाहिए। हियरिंग सामान्य सुनने की क्षमता होनी चाहिए।
डेंटल की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो 14 पॉइंट कम से कम होने चाहिए। हेल्थ कंडीशन स्ट्रांग होनी चाहिए, नॉर्मल इकोनॉमी विदाउट लॉस ऑफ एनी एपन, ही शुड फ्री फ्रॉम एनी एक्टिव एंड लेटेंट एक्यूट क्रॉनिक मेडिकल एंड सर्जिकल डिसेबिलिटी। किसी भी तरीके के हेल्थ की समस्या नहीं होनी चाहिए। जो इसका स्टैंडर्ड है एयरफोर्स का, उस एयर स्टैंडर्ड के अनुपात में होनी चाहिए। हाइट क्या होनी चाहिए, 152.5 सेंटीमीटर, 152.5 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। लेग लेंथ एप्लीकेबल नहीं है। विजुअल एक्टिविटी अनएडेड विजुअल एक्टिविटी एक्यूटी ऑफ 6/6 है। जो दृष्टि की क्षमता है वो 6/6 होना चाहिए। कलर विजन सीपी सेकेंड होना चाहिए। कंज्यूमशन ऑफ नारकोटिक्स ड्रग एंड फिजिकोट्रिक सब्सटेंस ये जो है बैन है पूरी तरीके से। इसको अगर खाते हुए या बांटते हुए या किसी तरीके से इसको घर में अपने स्टोर करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नौकरी से भी निकाले जा सकते हैं। बॉडी टैटू जो है एक लिमिट तक परमिसेबल है, उसके आगे परमिसेबल नहीं है। सिख कैंडिडेट जो हमारे सिख भाई हैं उनके लिए जो दाढ़ी है और जो जो हेयर है बाल है वो रख सकते हैं। उसका एक जो है फोटोग्राफ जो है देना पड़ेगा। उसके जो इसमें जो कंडीशन है जो उसको ध्यान से पढ़ लें, उस हिसाब से करना है। राइटिंग मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और क्या जो है आपको लेकर के जाना है परीक्षा हॉल में, उस पर चर्चा कर लेते हैं। एक HB पेंसिल चाहिए, इरेजर चाहिए, शार्पनर चाहिए, गम गम ट्यूब चाहिए, स्टेपलर एंड ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन फॉर राइटिंग चेयर के लिए, लिखने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए। 7 अनअटेस्टेड रिसेंट टेकन नोट बिफोर जुलाई 19, जुलाई 2019 के बाद के। कलर फोटोग्राफ चाहिए, 7 पेज 7 फोटो चाहिए, वो अटेस्ट नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेटिंग पासिंग सर्टिफिकेट, 10वीं के सर्टिफिकेट चाहिए, 4 सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, 12वीं के 4 होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो भी हो, मार्कशीट होनी चाहिए उसके। ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ड्यूली फील्ड सन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल, जो भी एयरफोर्स में नौकरी कर रहे हैं उनके बच्चे हैं उनके लिए जो भी छूट मिलती है उसके लिए जो फॉर्म है वो भी फिलअप करके भरा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। और जो डिटेल में आपको जाना है और इसको पढ़ना है ध्यान से। कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी अन्य ऑर्गेनाइजेशन से हैं वो 4 4 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और NOC उनके साथ में होनी चाहिए। कह रहे हैं कि अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो किसी भी कंडीशन में आपको रैली में भाग लेने का मौका नहीं दिया जाएगा। मेडिकल फिटनेस की बात है वो भी है। टेस्ट आपको हमने बताया था कि टेस्ट जो होंगे वो अब देख लेते हैं कि जो फिजिकल फिटनेस है दौड़ है उसके लिए क्या होना चाहिए। 1.6 किलोमीटर विद इन 5 मिनट 40 सेकेंड, कैंडिडेट इज टू रन 1.6 किलोमीटर ऑन अ मार्क्ड कोर्स विद इन टाइमिंग। 1.6 किलोमीटर की दौड़ है चिन अप से, 8 पुशअप है मिनिमम 20,
बेन ने सिटअप्स है 20, रिटन टेस्ट होगा आपका, उसमें नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखें। 10+2 का सिलेबस है, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, कैंडिडेट आर टू क्वालिफाई इन ईच पेपर सेपरेटली, उसमें अलग अलग सभी सब्जेक्टों में पास होना है। मार्किंग पैटर्न फॉर रिटन टेस्ट है 1 मार्क, एक करेक्ट आंसर पर 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया है तो उस पर कुछ नहीं मिलेगा। 1/4 यानी 0.25 मार्क्स है, नेगेटिव आंसर देने पर आपके नंबर काट लिए जाएंगे। एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 1, एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 2 है, डायनेमिक फैक्टर टेस्ट है, मेडिकल एग्जामिनेशन है। मेडिकल एग्जामिनेशन से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो मेडिकल बोर्ड है उसके सामने आप जा कर के अपना जो 40 रुपये दे करके आप दोबारा से उसे रिव्यू करा सकते हैं। जो भर्ती की प्रक्रिया है कंप्लीट होने के बाद 30 अप्रैल 2020 को ये डिस्प्ले होगी, इसका रिजल्ट होगा। तो इस तरीके से जो हमने जो मेजर है, मेजर पॉइंट हमने क्लियर कर लिया हुआ है, तो और ध्यान से आप इसको पढ़ करके अप्लाई करें, इसमें भर्ती में भाग लें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक फॉर द सेम, थैंक यू।